मूवी शुरू होती है आइसिस क्यूमा सिमेंट्री की कुछ सच्ची घटनाओं को दर्शाते हुए कि वहाँ पर इस स्टोरी में जो भी हुआ है वो कैसे और कहाँ और कब हुआ था। जो घटनाएं सिकिन पार्ट वन में घटी थीं वो भी असली थीं, जैसा कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया भी था, और जो इस मूवी में हुआ है वो भी बिल्कुल असली है। सिकिन पार्ट वन और पार्ट टू में जो भी हुआ है इसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब यह सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिकिन पार्ट वन मूवी में जो भी हुआ उसके सारे भयानक दृश्य यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। अब पिछली मूवी के सीन्स दिखाने के बाद दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर के बैकयार्ड में कुछ प्रेयर्स करने के बाद एसिड को प्लेट में भर के अंदर ले जाता है और वहाँ से किसी की चीखने की आवाज़ें आती हैं। फिर वही व्यक्ति बाहर आके खुद पी जाता है उस एसिड को और उसकी मौत हो जाती है। ये कौन है इसका कोई अंदाज़ा अभी हमें नहीं है। मूवी अब अगले सीन में पहुंचती है कैनेगल, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार दिखाया गया है। इस परिवार के तीन मेंबर्स हैं, बिरोल इनका 2 साल का बच्चा, हिक्रान उसकी माँ, एक हाउसवाइफ जो कि सिकिन पार्ट वन में औजनूर के साथ शुरुआत में दिखाई गई थी, और बिरोल का पिता अदनान जो कि एक होटल में काम करने वाला व्यक्ति है। यह बात है 2013 की, जब बिरोल के दूसरे जन्मदिन पर अचानक से बिरोल के ऊपर एक शेल्फ गिर जाती है और उस मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं और इस हादसे के बाद हिक्रान और अदनान के रिश्ते में दरार आ जाती है। अदनान हिक्रान से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगता है। थोड़ी बहस के बाद यहाँ पर ये 2 औरतें दिखाई जाती हैं जो कि अनजान थीं। बिरोल की याद में अदनान डूब जाता है और फ़ोन पर ली गई वीडियो को देखकर जीने लगता है। दूसरी तरफ हिक्रान बिरोल के कपड़े धोके उसको अपनी यादों में जिंदा रखती है, पर धीरे धीरे हिक्रान को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कि अपने ही पति को देखना हंसते हुए, और वो अपने भाई बिरोल के बारे में बताता है कि वो रास्ते में मिला था और वह बहुत खुश था जब उसने उसको यह बताया कि उसने अपने बच्चे का नाम उसी के नाम पर रखा है। कहता है कि बिरोल हमारा बच्चा अंदर है क्या, पर असल में वो वहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ से ये एक इन्फॉर्मेशन निकलती है कि अदनान का भाई भी है जिसका नाम बिरोल है। ये सब हेलुसिनेशंस का नतीजा था या फिर किसी काले जादू का, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब हिक्रान अपनी दोस्त आइनूर से ये सारी बातें शेयर करती है और वो यह कहती है कि चलो ओझा के पास चलते हैं, वो बहुत माने हुए ओझा हैं, पर वो गुस्से में वहाँ पर मना कर जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है नेवरूज गांव का, जहाँ पर 2 औरतें प्रेयर करते हुए दिखाई जाती हैं। ये कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये हिक्रान की माँ और दादी हैं। दादी बोल नहीं सकती, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। हिक्रान रोज़ अपने बच्चे की कब्र पर जाया करती थी और एक दिन रास्ते में वापस आते वक्त उसको दिखाई देती है वही 2 औरतें शेल्फ गिराते हुए जो बिरोल पर गिर गया था। वो बहुत डर जाती है और ऊपर वाले को याद करती है। उसी रात सोते वक्त हिक्रान को एक बहुत भयानक सपना आता है। अब ये होने के बाद उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इस बीच हिक्रान खूब कोशिश करती है कि उसका पति मान जाए और उससे बात करने लगे, पर वो बिरोल की मौत के लिए उसी को कसूरवार ठहरा रहा था। एक दिन हिक्रान जाती है अपने बच्चे की कब्र पर, बहुत रोने के बाद वहाँ पर भी उसको वही 2 औरतें नज़र आती हैं फिर से। वो घर वापस आती है और बिरोल के कपड़े उसको कहीं नहीं दिखते। वही एक जरिया था उसको अपने बच्चे का एहसास दिलाने का। रूम के अंदर जाने पर उसको एक बक्से में बिरोल की तस्वीर खून में डूबी हुई दिखती है और साथ में दिखती है एक डॉल जो कि खून से लथपथ थी। अपनी दोस्त आइनूर की बात मान के अगली सुबह वो जाती है अब्दुल्ला ओझा के पास। वहाँ पर ओझा एक कागज पर हिक्रान को अपना नाम 3 बार लिखने को कहता है और साथ में एक पिन से उसकी उंगली पर एक पिंच कर देता है। उस खून को उसके नाम पर लगा के उस कागज को एक गिलास में डाल के पानी डाल देता है। वहाँ रूम में बैठे इस बच्चे को वो यह पानी पिला देता है। अब कुछ प्रेयर्स पढ़ने के बाद ओझा बोलते हैं कि ऊपर वाले ने ही ईवल को बनाया है तो वही उससे निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे। फिर से कुछ प्रेयर्स की जाती हैं और वह बच्चा उठ के बैठ जाता है ओझा के पास नीचे एक बर्तन में साफ पानी की तरह मुंह करके। वहाँ कुछ सवाल पूछने पर ओझा को सब पता चल जाता है और वहाँ पर दिखाई देती है एक डेमोनिक प्रेजेंस। अब ओझा पूछते हैं कि तुम्हारी आंटी से तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तो वो कहती है कि मेरी 2 आंटी हैं, एक मदर साइड से जो कि इस दुनिया में नहीं रही और एक मेरे पिता के साइड से जिनसे हमारा किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और अब हम बात नहीं करते। ओझा पिता के बारे में कहते हैं,
हिकरान बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब मैं बहुत छोटी थी। तो शुरुआत में जो इंसान एसिड पी के मर गया था वही इसका पिता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गुत्थी तो सुलझती हुई दिख रही है, या फिर अभी और ज्यादा उलझने वाली है। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। ओझा फाइनली कहते हैं कि डरना मत, पर तुम पर किसी ने काला जादू किया है। इसको 41 स्टिच स्पेल कहते हैं और ये जादू टोना सबसे खतरनाक और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यह जादू टोना 41 तरीके से किया जा सकता है और जब तक ये किसने किया है और उन 41 में से कौन सा जादू है यह पता नहीं चलेगा, तब तक इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। हिकरान घर में कुछ काम कर रही थी तभी उसको ये भयानक नज़ारा दिखाई देता है। अब बेचारी हिकरान, ना तो उसका पति उससे बात कर रहा था, बेटा भी वो खो चुकी थी और ये सब भूत प्रेत दिखना। तो वो अपने घर जाने का डिसाइड करती है और रात में ही पहुंच जाती है अपनी माँ और दादी के पास। यहाँ पर अब हिकरान और उसकी माँ के बीच में जिक्र होता है जहरा के बारे में, यानी कि हिकरान की माँ की बहन और हिकरान की आंटी। वहाँ पर उसकी माँ बताती है कि जहरा का पति शराब पीता था और उसने जुए में सब कुछ गंवा दिया। एक रात वो पागल हो गया और उसने अपने बच्चों को, गुलबहार 9 साल की थी और गुलजार 4 साल की, और अपनी बीवी को मार दिया और खुद भी सुइसाइड कर लिया। इस बीच हिकरान अदनान को फ़ोन लगाती है पर वो उससे बात नहीं करता। अब रात को सोते वक्त हिकरान की माँ नैस्मी को बहुत डरावना दृश्य नज़र आता है। अगली सुबह अदनान अपने बेटे की याद में खोया रहता है। अपने दोस्त के बच्चे को देखकर उसको सिर्फ अपना बच्चा बिरौल याद आता है। पर इन सबसे अनजान हिकरान ये पता लगाने गांव में अलग अलग जगह जाती है, ये पूछने कि मेरे पिता की बहन यानी कि मेरी आंटी यहाँ आई थी या नहीं। पर वहाँ का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इस गाँव में सबको जानता था वो यह बताता है कि उनका अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अदनान अपने बेटे की कब्र के पास जाके रोते हुए खुद को गोली मार लेता है। शायद बेटे से दूर होने का गम वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। इन सब बातों से अनजान हिकरान बस उस व्यक्ति का पता लगाना चाहती थी जिसने ये कर्ज उसके परिवार को दे दिया था। अब गांव में घूमते घूमते अपनी माँ की बहन जहरा के बारे में वो पूछने लगती है। वहाँ एक लड़की उसको बताती है कि यहाँ एक घर है जहाँ बहुत डरावनी आत्माओं का साया है और वहाँ कोई नहीं जाता, और जाता भी है तो वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है। रास्ता बताने के बाद उस लड़की के साथ भी हिकरान को वो दो औरतें जो काला बुरका पहने हुई थी वो नज़र आती हैं। उस घर के पास पहुँचते ही मौसम बिगड़ने लगता है और बहुत ही डरावना घर था ये। अलग अलग तरह की चीज़ें लटकी हुई थी। घर में जाने पर हिकरान को कुछ बुरी शक्तियों का एहसास होता है। वहाँ पर उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है बेड से, पर कंबल हटाने पर उसको मिलती है एक गुड़िया। उसी रूम में दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो एक खेल खेलने की बात करती हैं, और तभी एक डरावना सा आदमी आके उसका गला पकड़ लेता है। पूरा घर हिलने लगता है और वो उस गुड़िया को लेकर उस घर से बाहर भाग जाती है। वापस घर आने पर वो बहुत थक जाती है और जाके सो जाती है। सपने में उसको फिर से कुछ काफी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। अब इनके घर में हिकरान की माँ और दादी को नजर आती है जहरा यानी उसकी बहन। शुरुआत में एक लेडी दिखाई गई थी जिसके पेट से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा था, वो यही थी। यहाँ पर बहुत डरावना सीन आता है। ये देखकर हिकरान की माँ और दादी बहुत डर जाते हैं। अब अगली सुबह अपनी दादी और माँ की दुआएं लेके हिकरान निकल जाती है अपने घर की तरफ। होटल जाने पर हिकरान को पता लगता है कि अदनान काम पर काफी दिनों से नहीं आया है। सब बहुत चिंता में थे। वो घर जाती है और वहां पर उसको सुनाई देती है बिरौल की आवाज। पर वहां भी हिकरान की आंटी जहरा दिखती है बिरौल की कब्र के पास, ये कहते हुए कि मुझे भी लड़का होने वाला था पर वो नहीं हुआ, और चिल्लाते हुए वो भागती है सीधा हिकरान के पास। पर हिकरान वहां से निकल जाती है और सीधा जाती है अब्दुल्ला ओझा के पास उस डॉल को लेकर। वहां पर ओझा उस 41 स्टिच वाली डॉल को खोलकर कहते हैं कि ये जादू टोना और ये 41 बुराइयों में से सबसे खतरनाक वाला जादू किया गया है। यह एक ऐसा जादू है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता रहता है। यहाँ पर सबटाइटल्स में डेमोनिक शक्तियों के बारे में बात की गई है।
पर असल में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उस वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के बाद मुझे पता चला कि असल में यहाँ पर यह डील जो जादू टोने में की गई है वो है इफ्रित जिन और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जिन। तो यहाँ पर मामला बहुत उलझ गया था क्योंकि अभी भी ये पता नहीं लग पाया था कि ये जादू आखिर किया किसने और क्यों। यहाँ हिकरान की माँ को अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हिकरान अपने घर पहुँचती है और देखते ही शॉक्ड हो जाती है कि उसकी दादी बोलने लगी है। अब यहाँ खुलता है असली राज कि हुआ क्या था। उसकी दादी बोलती है कि नैम्सी को कभी भी अपनी बहन जहरा पसंद नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा जलती थी उससे और उसकी दोनों बेटियों से। जहरा को तीसरा बच्चा होने वाला था पर उसके पति रमज़ान को सिर्फ बेटा चाहिए था और उसी का फ़ायदा उठाया जहरा की बहन नैम्सी ने कि मेरी सास यानी ये जो दादी यहाँ पर अभी बैठी हुई है वो जादू टोना जानती है और उसके पास चलो, मैं तुमको लड़का होने का एक मंत्र बताऊंगी। वो सीधे लोग थे और अपनी फैमिली पे भरोसा करके वो आ गए, लेकिन इन दोनों के इरादे बहुत गंदे थे। दादी जी ने उन पर लड़का होने का जादू नहीं बल्कि सबसे खतरनाक काला जादू पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए चलाया था जो कि था 41 स्टेज स्पेल। वो गुड़िया एक लड़के के लिए नहीं बल्कि रमजान को दर्शाती थी। उस गुड़िया के जरिए रमजान को जिन्स ने अपने काबू में किया और फिर एक रात रमजान ने अपनी बेटियों को मार दिया। और यह वही घर था जहां पर हिकरान को दो लड़कियां एक खेल खेलने की बात करते हुए दिखाई गई थी और वो व्यक्ति जिसने हिकरान का गला दबाया था वो कोई और नहीं बल्कि रमजान था। वो औरत जो सपनों में हिकरान को दिखती थी वो कोई और नहीं बल्कि जहरा ही थी। उस डरावनी रात को रमजान ने अपनी बेटियों को कहा कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है ब्लाइंड मैन गेम और उसने पीछे से अपनी दोनों बेटियों को मार दिया। पर जहरा को वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से वहां पर वो उस वक्त प्रेयर्स कर रही थी। इस बात से दुखी होके उसने खुद को ही आग लगा ली। अब ये सब देखने के बाद जहरा को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और नैम्सी और उसकी सास यानी कि ये दादी उनको अपने घर ले आती है और उसकी डिलीवरी वहीं पर होती है। नैम्सी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी तो उस बच्ची को रख लिया था नैम्सी ने और जहरा को मौत के घाट उतार दिया गया। और दोस्तों अब सबसे शॉकिंग बात, ये जो बच्ची पैदा हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि हिकरान थी। जी हाँ, अब तक की सारी कहानी पलट चुकी है। जहरा और रमजान माँ बाप थे हिकरान के और गुलबहार और गुलजार उसकी बहनें थीं। अब ये सब सुनकर हिकरान बहुत ज़्यादा शॉक्ड और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी बीच वो अपनी दादी में यानी कि उसकी जो फेक दादी है उसके मुंह पे दो कड़ाकेदार तमाचे मारती है। अंदर रूम में जाके देखने पर उसकी नकली माँ मरी हुई पड़ी थी और अब नंबर था दादी का। वो अपने बेटे को याद करके कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। शुरुआत में एक इंसान दिखाया गया था जो कि एसिड पी गया था, वो इसी का बेटा है, नैम्सी का पति। उसको ये सब पता चल गया था और वो कहता है कि जिस औरत को अपने बच्चे बच्चे लगते हैं और दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं लगते उसको अपना बच्चा भी मिलना नहीं चाहिए। गुस्से में वो थोड़ा सा एसिड अपनी माँ के ऊपर भी फेंक देता है। इसके राइट साइड पे जो निशान है वो उसी चीज़ का है। इसने इतने साल तक गूंगे होने का ड्रामा किया ताकि इससे कोई सवाल ना पूछ सके हिकरान। फिर अंत में दादी की भी मौत हो जाती है। अब अंत में हिकरान अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर उसके पति की आत्मा, उसके माँ बाप की आत्मा और उसकी बहनें और बिरौल एक अनजान शक्ति के हाथ में बैठा हुआ था और बूम, मूवी ख़त्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है और 15 महीने बाद ओझा ने वो स्पेल तोड़ दिया और हिकरान ने फिर से शादी कर ली। अब वो बीगा में रहती है और ये बिल्कुल असल बात है। अंत में बस यही दर्शाया गया है कि काला जादू इस्लाम में बिल्कुल मना है। ये एक तरीके से सिन माना गया है और हर रोज़ हज़ारों लोग टर्की में इसका शिकार बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि यहाँ पर सिकिन पार्ट वन के लिए मेरे को बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि औजनूर की मौत क्यों हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो जादू हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि जिस पे भी वो जादू होगा उसके ब्लड लाइन वालों की मौत हो जाएगी। यानी कि अगर नीसा के ऊपर वो जादू होता तो सिर्फ उसकी माँ की मौत होती और उसकी बेटी की मौत होती, लेकिन यहाँ पर जादू हुआ था उसकी बेटी पर। और बेटी के ब्लड रिलेशंस में कौन कौन आता था? उसकी माँ, उसकी दादी, उसका पिता, और पिता का रिलेशन उसकी यानी उसकी बहन के साथ यानी औजनूर के साथ में खून का रिश्ता था। इस वजह से वो उसकी सगी बुआ लगती थी जिसके कारण उसकी भी मौत हो गई। आई होप आपको ये लिंक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं कि मूवी के अंदर दो औरतें नज़र आती हैं, वो कौन थी?
तो मेरे हिसाब से वो कोई और नहीं बल्कि वो इफ्रित जिन या और भी प्रकार के जिन, क्योंकि जो जिन होते हैं वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो हिक्रान को डराने के लिए ही थे। बिरौल को मारने वाले भी जिन थे, उसके पति को डिप्रेशन के अंदर भेज के मारने वाले भी जिन थे। पर अब आप कहेंगे कि हिक्रान की मौत क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ जहरा उसके साथ थी, जहरा ने अपनी बहन और माँ से बदला लिया। दोस्तों मुझे ये मूवी सिकिन वन से ज़्यादा सस्पेंस वाली लगी, क्योंकि शुरुआत में एक घंटे तक मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, पर आखिरी में जाते जाते जो पत्ते खुले थे वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से सिकिन पार्ट को मिलने चाहिए 6 स्टार्स और सिकिन 2 को मैं दूंगा 6.5 स्टार्स सिर्फ कहानी के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो ताकि सिकिन पार्ट 3 जल्दी से जल्दी लाने की मैं कोशिश करूंगा। इस बार मैं गोल्स रखता हूं 1500 लाइक्स का, पिछली बार तो आपने 1000 लाइक्स का एम आराम से पूरा कर दिया। अब देखते हैं कि 1500 लाइक्स आप पूरे कर पाओगे या नहीं। तो मैं आपको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए।